अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली, होप यू आर फाइन। आज मैं हूँ एक हेल्दी फ्रूट चाट रेसिपी के साथ, जो कि एक डाइट पर्सन भी खा सकता है और एक नॉर्मल इंसान भी खा सकता है, बल्कि बच्चे भी इसको बहुत इंजॉय करेंगे। तो जी जनाब, टाइम वेस्ट नहीं करते और मैं आपको अपनी रेसिपी बताती हूँ। मैं लूँगी 2 अदद किन्नू, उनका फ्रेश जूस निकालूँगी और ये 5 एप्पल्स लूँगी और उसका प्रोसीजर बताऊँगी कि किस तरह कटिंग करनी है। और ये कोई 6 to 7 बनानास ले लूँगी मैं। फिर जी जनाब, मैं ये 2 अनार ले लूँगी, 2 अदद अनार, और उसको अच्छी तरह छील कर वॉश कर लूँगी। तो जी जनाब, अब चलते हैं प्रोसीजर की तरफ, कटिंग प्रोसीजर की तरफ, कि मैं किस तरह इसको कट करूँगी और किस तरह बनाऊँगी। हाँ जी जनाब, तो अब हम इसको छिलके पील ऑफ कर लेंगे हर एप्पल के, और फिर इसको इस तरह बारीक चॉप करेंगे ताकि ईजीली खाया जाए और बच्चे भी इंजॉय करें, क्योंकि बच्चे बहुत स्किप कर देते हैं फ्रूट्स को, तो ये बहुत ईजीली इंजॉय करेंगे। इस तरह बहुत छोटा छोटा चॉप कर लेना है। अब मैंने ये एप्पल्स को चॉप कर लिया है अच्छी तरह, 5 एप्पल्स को अच्छी तरह चॉप करने के बाद एक तरफ मैंने बनाना के छिलके उतार के रख दिए हैं। इसको बताऊँगी कि किस तरह पील वो कटिंग करनी है आपने। और दूसरी तरफ मैंने ये 2 अनार को अच्छी तरह छील कर वॉश कर लिया है, और ये अच्छी तरह पूरा गन वन इसका सब निकाल कर अच्छी तरह बाउलिंग कर ली है। तो जी जनाब, अब मैं बनाना कटिंग करूँगी। बनाना को आपने 4 पीसेस में कट करके फिर उसको छोटा छोटा चॉप करना है, जिस तरह मैं चॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट साइड पर मैंने वहाँ पर ऑरेंज जूस बनाने की तैयारी की थी, तो ऑरेंज जूस को मैंने कट करके एक हैंड ऑरेंज जूस मिक्सी आती है उसमें मैंने उसको जूस निकाल लिया था। और फिर अनार डालने से पहले हमने ऑरेंज जूस डालना है। वो मुझसे वीडियो शायद स्किप हो गई है, शायद बनी नहीं है, वो प्रोसीजर आपको दिखा नहीं पाई, सॉरी फॉर दैट। लेकिन फिर मैंने उसमें उस तरफ ऑरेंज जूस निकाल कर फिर मैंने अनार डालकर अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद चाट मसाला डाल दिया था। वो आपकी अप टू डेट है कि अगर आपने डालना कि नहीं डालना, बट इसका ही बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। फिर जी जनाब, ये रेडी हो गई है एक हेल्दी फ्रूट चाट, जो कि आप बच्चे से बच्चे और छोटे से छोटे बड़े। होप यू लाइक माई वीडियो, लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।